जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। जॉब यूवांट के इस नए वीडियो में फिर से मैं आपका तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों। आज है 30 जून और आज की सात सबसे बड़ी वैकेंसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हम इस वीडियो में लेके आए हूं दोस्तों। ऑल ओवर इंडिया से आप अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। मेल फीमेल सभी कैंडिडेट इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। 10th 12th ITI डिप्लोमा डिग्री, ये इन सभी अलग अलग नंबर्स ऑफ वैकेंसी, अलग अलग क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया और अलग अलग डिपार्टमेंट में इसकी वैकेंसी है जो निकल कर आ रही है दोस्तों। सभी से रिलेटेड हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। यहाँ पर आज हम इस से रिलेटेड सारी की सारी जानकारी आपको देने वाले हैं दोस्तों। अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर दोस्तों, फॉरेस्ट गार्ड के लिए, फॉरेस्ट गार्ड में दोस्तों गार्ड की वैकेंसी है, पटवारी की वैकेंसी है दोस्तों, लेखपाल जिसको कहा जाता है दोस्तों, और इसमें अकाउंटेंट की वैकेंसी है, CRPF में वैकेंसी है दोस्तों, कोस्ट गार्ड में के अंदर वैकेंसी है, और आपकी दो ट्रेनिंग की वैकेंसी भी इस वीडियो के अंदर कवर किया गया है। और भी अलग अलग टाइप ऑफ वैकेंसी है इसके अंदर दोस्तों। तो बिना समय गवाए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इससे इसी तरह का अपडेट अगर आप चाहते हैं तो मेरे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर रोज़ इसी तरह का वैल्यूएबल वीडियो और वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी आपको मिलते रहे। तो दोस्तों बिना समय गवाए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम आ चुके हैं अपने स्क्रीन पर दोस्तों। आज की हमारी पहली वैकेंसी है HP फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से, यानी कि हिमाचल प्रदेश की जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से फॉरेस्ट गार्ड के लिए वैकेंसी निकली है 311 पोस्ट के लिए दोस्तों। इससे रिलेटेड हम अभी यहाँ पर, इससे रिलेटेड जो भी जानकारी है वो इस वीडियो में हम यहाँ पर अभी देखने वाले हैं दोस्तों। 6 जुलाई से इसका आवेदन जो है स्टार्ट होगा दोस्तों, और 19 अगस्त तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं दोस्तों। अलग अलग सर्कल के लिए यहाँ पर अलग अलग वैकेंसी देखने को मिल रही है। बिलासपुर के लिए, चंपा के लिए, धर्मशाला के लिए दोस्तों, हमीरपुर के लिए, कुल्लू, मनाली, नंदा, यहाँ पर दोस्तों अलग अलग सर्कल है और उसके लिए अलग अलग नंबर्स ऑफ वैकेंसी। इसी तरह से टोटल का टोटल 13 सर्कल है और अलग अलग वैकेंसी यहाँ पर देखने को मिल रही है दोस्तों। यहाँ पर लिंक जो है वो आपका एक्टिवेट होगा 6 तारीख को दोस्तों, 6 जुलाई को आपका लिंक जो है एक्टिवेट कर दिया जाएगा। उसके पहले आप यहां पर नोटिफिकेशन डाउनलोड करके आप और भी डिटेल से इसकी जानकारी ले सकते हैं। इसका ऑफिशियल वेबसाइट भी जो है दोस्तों यहां पर दिया हुआ है। और हम चलते हैं अपनी दूसरे वैकेंसी की तरफ। तो दोस्तों ये आपका उत्तराखंड से वैकेंसी निकल कर आ रही है जो दोस्तों, ये आपका पटवारी जेल गार्ड की वैकेंसी है और इससे रिलेटेड हम अभी थोड़ी सी और चर्चा करने वाले हैं। तो उत्तराखंड की तरफ से दोस्तों ये आपका सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से ये वैकेंसी निकल कर आ रही है। लगभग 513 पोस्ट की ये वैकेंसी है दोस्तों। 26 तारीख को इसका अपडेट कर दिया गया है। और अप्लीकेशन फ़ी की बात कर लेते हैं तो जनरल या फिर उत्तराखंड के OBC कैंडिडेट के लिए 300 रुपया चार्ज रखा गया है, और अदर स्टेट वालों के लिए दोस्तों ये 300 रुपये। ऑल ओवर इंडिया की ये वैकेंसी है दोस्तों, कोई भी इस फॉर्म के लिए आवेदन कर सकता है आसानी से। SC ST PWD कैंडिडेट जो है सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड के दोस्तों, उनके लिए आपका 150 रुपया चार्ज है, और इस चार्ज को दोस्तों आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट डेट जो है दोस्तों आपका 17 को रिलीज़ किया गया है, 22 तारीख से इसका आवेदन स्टार्ट हो चुका है, और आप इस फॉर्म को दोस्तों 5 अगस्त तक भर सकते हैं आसानी से, और फीस पेमेंट करने का डेट जो है दोस्तों 7 अगस्त तक है। एग्ज़ाम जो है दोस्तों उसका एक्सेप्टेड डेट जो है वो नवंबर में रखा गया है दोस्तों। यहाँ पर देख लीजिए आप, पटवारी के लिए जो आपका एज लिमिट है 21 से 28 साल है, और बाकी जो अदर पोस्ट है और भी दोस्तों रिमेनिंग पोस्ट के लिए आपका 21 से 35 साल है। क्वालिफिकेशन की बात कर रहा है तो अगर आप किसी भी फील्ड से डिग्री आपने किया है तो आप इस फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं। यहाँ पर पटवारी के लिए है जो दोस्तों 366 पोस्ट है, और आपका अकाउंटेंट डिपार्टमेंट के लिए जो है वो पोस्ट आपका 147 है। रजिस्ट्रेशन जो है दोस्तों स्टार्ट हो चुका है, आवेदन आप इसके लिए फॉर्म यहाँ से फिलअप कर सकते हैं डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके। इसका PDF भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ दोस्तों तीसरी वैकेंसी जो हमारी है CRPF असिस्टेंट कमांडर की तरफ से ये जो वैकेंसी है दोस्तों 25 पोस्ट के लिए यहाँ पर निकल चुका है ये, और इसके लिए दोस्तों आपसे 400 रुपये का चार्ज किया जा रहा है। अनरिजर्व जनरल और OBC और मेल के लिए कैंडिडेट के लिए दोस्तों, और फीमेल या SC ST कैंडिडेट के लिए ये कोई भी चार्ज नहीं है यहाँ पर आपको दोस्तों। अरे इंडियन पोस्टल ऑर्डर और बैंक ड्राफ्ट से सिर्फ और सिर्फ इस फ़ी को आपको जो है लिया जाएगा। आप इस फॉर्म फ़ी को ऑनलाइन नहीं भर सकते हैं, आपको इसके लिए दोस्तों बैंक जाकर इसके लिए ड्राफ्ट बनवाना होगा, और उसके बाद ही आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इम्पोर्टेंट डेट की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो आपका 29/7 तक ये जो है फॉर्म
रिसिप्ट करने का डेट है, यानी कि इस फॉर्म को आपको ऑफलाइन भरना पड़ेगा, ऑनलाइन ये फॉर्म नहीं है दोस्तों। और आपको फॉर्म फिलअप कर कर पते पर 29 तारीख से पहले पहले आपको सबमिट करना होगा। एज लिमिट की बात कर लेते हैं, कह रहा है 35 साल से आपका ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बैचलर डिग्री आपने किया है सिविल इंजीनियरिंग से तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। फिजिकल मेजरमेंट की बात कर लीजिए कुछ यहाँ पर दिया हो दोस्तों। हाइट, चेस्ट और वेट की बात कर लेते हैं, तो मेल के लिए 165 हाइट है और फीमेल के लिए 157 दोस्तों। यहाँ पर 81 सेंटीमीटर का जो है एक्सपेंडेशन चाहिए और आप एक्सपेंड होने के बाद में 86 सेंटीमीटर यानी कि 5 सेंटीमीटर आपका जो है वो एक्सपेंडेशन मांग रहा है दोस्तों। वेट की बात कर लेते हैं, अकॉर्डिंग टू हाइट कम से कम यहाँ पर 50 केजीज मांग रहा है। और वैकेंसी, नंबर्स ऑफ वैकेंसी अलग अलग कैटेगरी वाइज वैकेंसी यहाँ पर है। योर के लिए 13 पोस्ट है, EWS के लिए 2 पोस्ट, OBC के लिए 6 पोस्ट है, SC के लिए 3 पोस्ट और ST के लिए 1 पोस्ट है। आपका लिंक जो है यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो हम आ गए हैं आज की चौथी वैकेंसी की तरफ। ये इंडियन कोस्ट गार्ड रिक्वायरमेंट की तरफ से वैकेंसी निकल कर आ रही है दोस्तों। असिस्टेंट कमांडर की ये वैकेंसी है और इससे रिलेटेड हम यहाँ पर थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे दोस्तों। 50 नंबर ऑफ पोस्ट की यह वैकेंसी है, 26 तारीख को इसे भी रिलीज़ कर दिया गया था दोस्तों। इंडियन कोस्ट गार्ड हेल्प पब्लिशिंग नोटिफिकेशन दोस्तों, यहाँ पर इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से असिस्टेंट कमांडर ड्यूटी और टेक्निकल के लिए ये जो है वैकेंसी रिलीज़ की गई है। लगभग देख लीजिए आपको नंबर्स ऑफ वैकेंसी जो है दोस्तों वो 50 रहा है। GD के लिए यहाँ पर 40 वैकेंसी है और टेक के लिए दोस्तों 10 वैकेंसी है। स्टार्टिंग डेट जो है आपका वो 4 तारीख से आवेदन होना स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों, 4 जुलाई से, और 14 जुलाई तक सिर्फ 10 दिन का टाइम दिया है दोस्तों। आप जो भी दोस्तों, ये इंडियन कोस्ट गार्ड की वैकेंसी होती है खास करके, वो बहुत ज़्यादा फास्ट ये लोग जो है वो इसका प्रोसेस जो है होता है दोस्तों। देख लीजिए 10 दिन के अंदर यहाँ कह रहा है कि फॉर्म फिलअप करिए, उसके बाद जो है आपका 20 तारीख को आपका एडमिट कार्ड जो है वो मिल जाएगा, उसके बाद आप एग्ज़ाम दीजिए। लिंक जो है दोस्तों आपको यहीं से एक्टिवेट कर दिया जाएगा, तो उसके बाद आप लिंक 1 लिंक 2 पर जाके आसानी से यहीं से चेक कर सकते हैं दोस्तों और फॉर्म भी फिलअप कर सकते हैं। आज की ये जो मेरी अगली वैकेंसी है दोस्तों, HECL लिमिटेड ट्रेनी रिक्वायरमेंट 2021 दोस्तों, ये हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से ये ट्रेनिंग की वैकेंसी है दोस्तों। इस चैनल पर दोस्तों मैं वैसा ही आपका ट्रेनिंग की वैकेंसी को कवर करता हूँ जो इंपॉर्टेंस होता है दोस्तों। सारी ट्रेनिंग की वैकेंसी में इसमें कवर नहीं करता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। भारत सरकार की ये कंपनी है, इसीलिए मैंने इस ट्रेनी वाली वैकेंसी को दोस्तों इस पर कवर किया है दोस्तों। 6 पोस्ट के लिए ये जो है वैकेंसी है आपको, लगभग यहाँ पर देख लीजिए OBC और EWS के लिए 750 रुपये चार्ज किया गया है, बाकी किसी के लिए कोई फ़ी किसी भी प्रकार का नहीं है। ये फ़ी आपको सिर्फ डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से ही पे करना पड़ेगा दोस्तों। यहाँ पर आपको 25 तारीख को जो है वो 25/6 से दोस्तों यहाँ स्टार्ट हो चुका है और आवेदन का लास्ट डेट जो है वो दोस्तों 31/7 है, यानी कि पूरा का पूरा एक महीना से ज़्यादा है आपका। और इस फॉर्म को भी आपको ऑफलाइन ही भरना पड़ेगा। और देख लीजिए सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो आपका काउंसलिंग और मेरिट लिस्ट के आधार पर होने वाला है यहाँ पर दोस्तों। मिनिमम एज लिमिट 14 साल है आपका, मैक्सिमम एज लिमिट 40 साल है। क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं, तो अगर आपने +2 किया है तो आप इस फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं देख लीजिए दोस्तों। और भी यहाँ पर अगर आपके पास ITI है, +2 10+ ITI या फिर 10+2 ITI है तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसमें भी दोस्तों आपने किस किस ट्रेड से किया है, यहाँ किस ट्रेड के लिए कितना वैकेंसी है वो यहाँ पर दिया हुआ है। इलेक्ट्रिकियन के लिए दोस्तों 20 है, फिटर के लिए यहाँ पर 40 है, मैकेनिस्ट के लिए 16 है, वेल्डर के लिए और COPA के लिए दोस्तों यहाँ पर वैकेंसी आपको देखने को मिल रहा है। इसी तरह से इंपॉर्टेंट लिंक्स जो है आपका एक्टिवेट है, वहाँ से आप इसका फॉर्म भी डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पर PDF में दोस्तों आपको सारा का सारा जानकारी और भी डिटेल से दिया है। और तीसरी यहाँ सेकेंड लास्ट जो है दोस्तों, ये मेरा वाइजेक स्टील से प्लांट से, ये भी अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए दोस्तों, ये भी आपका सेंट्रल गवर्नमेंट की जो कंपनी है उससे निकल कर आ रही है। 319 पोस्ट के लिए दोस्तों ये भी अच्छी खासी है। वाइजेक स्टील प्लांट जो है वो ट्रेनिंग के लिए वैकेंसी निकाली है 319 पोस्ट के लिए, 28 तारीख को इसे अपडेट कर दिया गया है। और लगभग जो इसका चार्ज है आपका 200 रुपया प्लस GST आपका इंक्लूडेड नहीं है इसके अंदर, अलग से आपको GST पे करना पड़ेगा दोस्तों। इस फॉर्म को आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और इसका फ़ी पेमेंट भी आप ऑनलाइन कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं जैसा कि SC ST PWD कैंडिडेट के लिए सिर्फ और सिर्फ 100 रुपया चार्ज है और प्लस आपका GST लगने वाला है। यहाँ पर आप इस फॉर्म के फ़ी को दोस्तों क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग किसी से भी पे कर सकते हैं। 28 तारीख से जो दोस्तों इसका
26 तारीख से नोटिफिकेशन इशू कर दिया गया है और आपका आवेदन जो है स्टार्ट हो चुका है। 17 तारीख तक, 17 जुलाई तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आपका एज लिमिट जो है 18 से 25 साल के बीच में है दोस्तों। 10वीं के बाद आपने ITI किया है, NCVT से मान्यता प्राप्त है, तो आप इस फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं। ट्रेड वाइज वैकेंसी यहाँ पर डिटेल हम लोग को देखने को मिल रहा है। फीटर के लिए दोस्तों 75 वैकेंसी है, टर्नर के लिए 10 वैकेंसी है, मैकेनिस्ट के लिए 20 वैकेंसी है, यहाँ पे वेल्डर के लिए गैस इलेक्ट्रिक का जो होना चाहिए दोस्तों वहाँ पे 40 है, और मशीन टूल के लिए दोस्तों 20 वैकेंसी है, मेंटेनेंस के लिए 20 वैकेंसी, इलेक्ट्रीशियन के लिए 60 और दोस्तों कारपेंटर के लिए 20। यहाँ पर इसी तरह से दोस्तों एयर कंडीशन और रेफ्रिजरेशन के लिए 14 वैकेंसी है, मैकेनिक डीजल के लिए दोस्तों 30 वैकेंसी देखने को मिल जाएगा, कंप्यूटर ऑपरेटर जो है उसके लिए 30 वैकेंसी, और इसी से रिलेटेड जो सारा का सारा जो आपका इंपॉर्टेंस लिंक है वहाँ पर आपको सारा का सारा वैकेंसी से रिलेटेड जो है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। हर एक की कैटेगरी वाइज अलग अलग किया रहेगा दोस्तों, अलग अलग जितने भी वैकेंसी यहाँ पर मैंने बताई है सारा का सारा आपको वहाँ पर नोटिफिकेशन और उसका वेबसाइट का लिंक जो है वो मिल जाएगा, वहाँ से आप आसानी से जाकर क्लिक करके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और उससे ज़्यादा विशेष जानकारी ले सकते हैं। उत्तराखंड जेल गार्ड के लिए वैकेंसी निकल कर आ रही है जिससे रिलेटेड हम लास्ट में चर्चा करने वाले। 28 तारीख को इसका अपडेट जो है वो जारी कर दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं जेल गार्ड के लिए दोस्तों ये जो है आपका वैकेंसी है। इंपॉर्टेंट डेट जो है यहाँ पर आपका 1 जुलाई से इसका आवेदन जो है स्टार्ट हो चुका है, हो जाएगा दोस्तों, और 14 अगस्त तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। फॉर्म फ़ी की बात कर लेते हैं यहाँ पर, तो जनरल OBC और AWS के लिए 300 रुपये चार्ज है दोस्तों, और SC ST के लिए सिर्फ मात्र 150 रुपये चार्ज है। इस फॉर्म फ़ी को आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या बैंक नेट बैंकिंग के माध्यम से, और एज लिमिट यहाँ पर आपका मिनिमम 21 साल है और 35 साल आपका मैक्सिमम एज लिमिट है। जेल गार्ड मेल और जेल गार्ड फीमेल दोनों के लिए यहाँ पर वैकेंसी उपलब्ध है। सिर्फ आप 12वीं पास हैं तो इस फॉर्म को आसानी से आप भर सकते हैं, और भी एक्स्ट्रा कोई भी क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। आप मेल के लिए दोस्तों 200 टोटल पोस्ट रख है यहाँ पर, और फीमेल के लिए 13 पोस्ट है दोस्तों। इसका लिंक जो है दोस्तों अभी एक्टिवेट नहीं किया गया है, 1 तारीख को एक्टिवेट कर दिया जाएगा, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जैसा कि यहाँ पर अप्लाई नाउ पर क्लिक हो जाए, लिंक जब एक्टिवेट हो जाएगा तो आप डायरेक्ट यहाँ से क्लिक करके दोस्तों डायरेक्ट आप अप्लाई कर सकते हैं। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया हो, इसमें जो सारा का सारा इन्फॉर्मेशन दिया हो वो आपको पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक कर दीजिए दोस्तों, और ये जो सारा इन्फॉर्मेशन है आपको दोस्तों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर करना पड़ेगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। इसी तरह का वैल्यूएबल वीडियो मैं अपने चैनल पर लेके आते रहता हूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए दोस्तों, ताकि नोटिफिकेशन भी आप तक पहुँच जाए जैसे ही मैं इस चैनल पर वीडियो डालूँ।